पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। रीजनल ऑफिसरों ने हमारी ड्यूटी यहाँ आपके पास लगा दी है। रानी साहिबा जल्द ही खुशखबरी सुनाने वाली है, तो अंग्रेजी सरकार चाहती है कि हम आप पर नजर रखें और आपके यहाँ बेटा या बेटी होने की खुशखबरी डायरेक्टली उनको सुनाए। हमें हर हाल में साईं के पास जाना होगा मंत्री जी, लेकिन इन लोगों की निगरानी में यह कैसे संभव होगा? इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। आप और रानी दामिनी भेष बदल कर यहां से जाएंगे तो इन अंग्रेजी सरकार को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम चुपके से आपको रियासत से निकाल देंगे और वापस सिंगापुर लौट आएंगे और आपकी अनुपस्थिति में यहां सब कुछ संभाल लेंगे। इसमें किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा महाराज। ठीक है, तो फिर आज रात को ही निकलने की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। अपनी रियासत से छुपकर और भेस बदल कर जाना पड़ रहा है हमें। क्या जरूरत है इसकी? हम कह तो रहे हमें बेटा ही होगा, हमें तो कल सपना भी आया था। लेकिन दामिनी, हमें कोई भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए और आपकी प्रसूति का समय भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में हम किसी को बताना नहीं चाहते कि इस वक्त हम कहाँ हैं। चुपचाप जाके साईं के दर्शन करेंगे और हमें उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से आपको बेटा ही होगा। गाड़ीवान, गाड़ी क्यों रोक दी? महाराज, ब्रिटिश अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। गाड़ीवान, गाड़ी रोको, कहाँ जा रहे हो? चेक करो। इंस्पेक्टर जी साहब, ध्यान रहे, राजा देवधार पर कड़ी नजर रखना होगा, इसीलिए मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया है, क्योंकि अगर वो यहाँ से भाग गया और वहाँ उन्होंने अपनी वाइफ की डिलीवरी करवा दी और बाद में ये कहा कि उनको बेटा हुआ है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। जस्ट मेक श्योर इस रियासत से एक भी इंसान बिना देखे जाने ना पाए। नाउ गेट बैक टू वर्क। जी साहब, चलो। कौन है गाड़ी में? अब क्या करें महाराज, आगे तो नाकाबंदी है। मंत्री जी, गाड़ी घुमा लीजिए। उनको शक हो जाएगा महाराज। मंत्री जी, अगर पकड़े गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे और यहाँ फंस गए। महाराज, अब साईं बाबा को याद करिए, वही आपकी मदद करेंगे। यहाँ से याद करने से साईं बाबा को कैसे पता चलेगा कि हम मुश्किल में हैं? मैं तो कहती हूँ हमें वापस चलना चाहिए। हे साईं बाबा, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आ रहा था। मेरी यात्रा सफल कीजिए, मुझे सुरक्षित अपने पास बुला लीजिए। आएगी फिर भो। हटेगा अंधियारा घन घोर, आएगी फिर भोर, हटेगा अंधियारा घन घोर। चलो। Thank you.
बच्चों, जब जीवन थोड़ी देर के लिए मुझे तुम्हारे गुड्डा गुड्डिया मिल सकते हैं? जरूर साई। मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। गाड़ी वान, बैलगाड़ी के अंदर कौन है? गाड़ी में तो कोई नहीं है। चलो साहब को बताते हैं। गाड़ीवान, बैलगाड़ी लेकर जा सकते हो। वो लोग हमें देख क्यों नहीं पाए? साई कृपा, ओम साई राम, ओम साई राम। साहब, हमने सारी बैलगाड़ियां अच्छी तरह से चेक कर ली हैं, किंतु राजा साहब कहीं नहीं दिखे। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। कैसी आवाज आ रही है? द्वारका माई में कहीं बंदर तो नहीं घुस गया? कहां से आ रही है आवाज? बार बार मुझे चकमा दे रहा है। लगता है बहुत ही तेज है ये। मैं तो थक गया। साई। अरे दीपू, तुम मुझसे लुका छुपी में हर बार हार जाते हो,
तू फिर साई को परेशान करने लग गया। आओ यमुना बेटी, आराम से। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।